गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर वन नोइंग आर नंबर, दैट इज द स्टार्टिंग. सो यू शुड नो दैट व्हाट इज द नंबर. ओके, सो इन प्रीवियस क्लास दिस चैप्टर इज आल्सो वाज देयर बेटे. हियर इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. ओके, एंड इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. ओके, सो वन बाय वन वी रीड. ओके, सीरियल वाइज. सो फर्स्टली यू शुड नो दैट द नंबर्स. सो नंबर्स आर बेटे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद नेचुरल नंबर. ओके, द नेचुरल नंबर्स आर विच आर स्टार्ट फ्रॉम वन. Which starts from 1 onward. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so on. ठीक है, counting चलती रहती है ना बेटे. Similarly. Okay, then whole number. Okay, the whole numbers are which start from 0 onward. Okay, 0, 1, 2, 3. Okay. After that, बेटे, what is integer? Okay, that is also a chapter in your book. This is the first chapter, and this is second chapter, and this is the sixth chapter. Okay, so now look carefully. The integer start from बेटे. Integer start from minus also there. Okay, 0 is also there, so minus number is also there. Okay, 0 is also there, and positive numbers are also there. Okay, so it is the collection of whole numbers mein kya gaya, 0, 1, 2, 3. Okay, and नेगेटिव नेचुरल नंबर्स. ओके बेटे, सो नाउ लुक केयरफुली. नाउ इंटीजर, नाउ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड बाय वन डायग्राम. ओके, सो लुक केयरफुली. सो सपोज दिस सर्कल इज इनसाइड. ओके, सो दिस सर्कल इज, सपोज इट इज अ नेचुरल नंबर. ओके, हियर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, अब होल नंबर्स को कवर कौन कर रहा है? नेचुरल नंबर को कवर कौन कर रहा है? होल नंबर को कवर कौन कर रहा है? इंटीजर. ओके, सो हियर इज होल नंबर. ओके, और जो सबसे बाहर है बेटे, उसमें कौन से आगे? इंटीजर्स. ओके, सो इसमें देखो होल नंबर में क्या था, 0, 1, 2. ओके, ऑनवर्ड. और इसमें क्या था, 0, 1, 2, 3. ओके, और माइनस वाले नंबर भी है देखो. ठीक है, तो इन मिडल देयर इज नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या है बेटे, होल नंबर, और सबसे बाहर क्या है, इंटीजर. ओके बेटे, आउटसाइड इज इंटीजर. ओके, और सबसे जो हम बाहर कह दें, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट दिस इज ए रियल नंबर. रियल नंबर में बेटे आपका सब कुछ आ गया. ठीक है, रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आ गई. अब फ्रैक्शन भी होते हैं ना, जैसे 1/2, 5/6, तो उसमें सब कुछ आ गया रियल नंबर में. ठीक है, दैट इज योर नेक्स्ट क्लास सिलेबस. ओके, सो दिस यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे. आफ्टर दैट, हाँ जी बेटे, नाउ लुक केयरफुली द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम यू नो दैट ना बेटे, दैट इज ऑल्सो इन योर प्रीवियस क्लास सिलेबस. ओके, सो हेयर आर डिफरेंट पीरियड्स. ओके, सो फर्स्ट पीरियड इज बेटे वंस, दैट इज द वंस. अब ये पीरियड में क्या क्या आ जाता बेटे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड. ओके बेटे, सिमिलरली इन थाउजेंड पीरियड में बेटे, सो हेयर इज 1000 and 10,000. सिमिलरली लैख, लैख में बेटे लैख, 10 लैख, लैख
मैं आपको पता है ना हाउ मेनी जीरोज, सो हियर आर फाइव जीरोज, ओके, एंड इन 10 लाख 6 जीरोज, ओके, इन करोड़ 7 जीरोज, 1 आफ्टर दैट 7 जीरोज, देन 10 करोड़, ओके बेटे, सो दीज आर द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ओके, सो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यू नो दैट जैसे 45, ओके, सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40, बिकॉज बैक साइड इज 1 डिजिट, बैक साइड इज 1 डिजिट, यस बेटे, सो इन इंडियन सिस्टम यू नो दैट वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, देन 10 लैख, करोड़, देन 10 करोड़ इज देयर, ओके, सो सपोज एनी नंबर इज देयर, ओके, सो 4962170012, सो हाउ द क्वेश्चन विल कम बेटे, सो फर्स्टली राइट द नेम ऑफ दिस नंबर एंड राइट पुट द कॉमास, सो इन बेटे इंडियन सिस्टम द कॉमास आफ्टर फर्स्टली 3 डिजिट, आफ्टर दैट 2 डिजिट, आफ्टर दैट 2 डिजिट, ठीक है, पीछे से बेटे स्टार्ट करते हैं हम, तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, फिर 2 डिजिट, आफ्टर दैट 2 डिजिट, ओके बेटे, अब देखो व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ दिस, सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद करोड़, ओके, सो ऑलवेज बेटे यू राइट दिस वंस, टेंस, हंड्रेड, जब भी आपको ये क्वेश्चन आ गया आपने ऊपर ये जरूर लिखना है हर नंबर के ऊपर, ठीक है, तो आपके बेटे पर हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस कर देते हैं और आपका जो ये सम बिल्कुल इजी सम गलत हो जाता है, ठीक है, इसीलिए पहले 5th क्लास में था, देखो आप 6th क्लास में भी ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है सिर्फ आपकी छोटी सी मिस्टेक के कारण, ठीक है ना बेटे, सो फर्स्टली इट स्टार्ट विद करोड़, सो फर्स्ट 49 करोड़, इट इज 49 करोड़, ओके बेटे, आफ्टर दैट 62 लाख, ओके, बिकॉज इट इज इन लैक पीरियड, ओके, 62 लाख, आफ्टर दैट बेटे 1000 टन, अब 1000 में क्या है देखो 1 1 7, तो ये क्या होगा बेटे 17,000, आगे क्या है बेटे 12, ठीक है, 100 में 0 है ना, तो हमारे पास क्या रहेगा बेटे 12, ठीक है, अब एक और सिस्टम कौन सा बेटे, न्यू सिस्टम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ओके, अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या करते हैं बेटे, देखो फर्स्टली वी कॉन्सेंट्रेट ऑन वंस, तो इसमें भी देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, ओके, थाउजेंड में बेटे इट इज 10,000, 1,000, एंड पहले क्या है देखो 1,000, ओके, फिर 10,000, देन 100,000, ओके, बट इन नेशनल सिस्टम, ठीक है, इंडियन सिस्टम 100,000 इज नॉट देयर, अप टू दिस इट इज सेम, ओके, आफ्टर दैट मिलियन में बेटे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इज देयर, अंडरस्टैंड, अब देखो यही नंबर हम ले लेते हैं बेटे, सेम नंबर इज देयर, पहले हर क्वेश्चन के ऊपर हमने क्या लिखा था, पहले देखो हम नंबर लिख रहे हैं बेटे, ठीक है, सेम नंबर ले लेते हैं कि आपको डिफरेंस समझ आ जाए, जो आपको एक बार डिफरेंस समझ आ गया देन यू कैन डू एनी क्वेश्चन, ओके, सो अब देखो बेटे हर क्वेश्चन के ऊपर 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, ओके, हियर इज 100,000, देखो 10,000 तक बिल्कुल सेम है, उसके बाद थोड़ा डिफरेंट है 100,000, देन बेटे देन मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, ओके बच्चे, अब देखो हाउ व्हाट इज द नंबर नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू पुट द कॉमास, सो इसमें भी बेटे देखो 3 डिजिट पीछे से स्टार्ट करना है, ठीक है, 3 डिजिट, आफ्टर दैट अगेन 3 डिजिट, इसमें हमेशा 3 डिजिट के बाद कॉमा हमने लगाना होता है, ठीक है बेटे, अब देखो व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ दिस,
अब देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, मिलियन से, तो इसका नंबर नेम देखो बेटे हमारे पास 496 मिलियन। देखो ये है ना मिलियन का बॉक्स, तो कहां पर स्टार्ट हो रहा है, ये मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है 100 मिलियन से। तो पहले इसका नेम क्या बोलेंगे, 496। उसके बाद हम किस क्या लगाएंगे, मिलियन पीछे, ठीक है। अब उसके बाद 217, फिर पीछे क्या लगाएंगे, 1000, ठीक है समझ आ रहा है, 217 बैक साइड इज 1000। फिर बेटे कौन से लास्ट में आ गए, तो ये क्या है हमारे पास 12, दिस इज 12, ठीक है बेटे, क्योंकि ये वंस है तो इसमें लास्ट में क्या आ जाएगा, ये 12, ठीक है 10 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको 12, जो यहां पर ओनली 002 होता तो लास्ट में क्या लिख देते हम 2 लिख देते, क्योंकि वो वंस का है और जो 12 है वो 10 का, ठीक है बेटे, इजी ना। सो राइट वेरी केयरफुली, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके बेटे। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन, ओके सो क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, ओके सो 1000 इक्वल टू डैश 100। अब देखो बेटे 1000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो, 100 में बेटे 2 जीरो, 100 में 20 आ गया बेटे। अब देखो अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये भी 1000 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वी मल्टीप्लाई विद 10, क्योंकि 1000 1000 तो 1000 के इक्वल हो जाएगा ना ये, सो हेयर आंसर इज 10 1000, ओके वन मोर पार्ट, ठीक है लास्ट पार्ट कर लेते हैं, आपको लास्ट पार्ट डिफिकल्ट लगता होता है, ठीक है, तो 1 बिलियन। अब देखो यहाँ पर एक न्यू चीज आ गई, यहाँ पर बिलियन आ गया बेटे, तो हमने अभी किया था ये सिस्टम, तो यहाँ पर क्या था देखो मिलियन था, ठीक है, तो मिलियन के और पीछे क्या होता है बेटे बिलियन, ठीक है, उसमें भी सेम सिस्टम है, बिलियन 10 बिलियन एंड 100 बिलियन, ओके तो उसका क्या आ जाएगा बिलियन, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे बेटे इसके पीछे, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास बिलियन, ठीक है आपको पता ही है कि बिलियन होता है बेटे, फिर 10 बिलियन देन 100 बिलियन, ओके। अब क्वेश्चन क्या है, 1 बिलियन, 1 बिलियन इक्वल टू डैश करोड़, ठीक है। अब देखो 1 बिलियन में कितनी जीरो आ जाएंगे, यहां पर है ना बिलियन देखो, ठीक है यहाँ पर मान लो 1 आ गया, तो कितनी हमारे पास जीरो हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब हमने करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7 जीरो, करोड़ में कितनी होती है बेटे 7 जीरो, आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आपको पता ही है यहाँ पर कितनी होगी थी, 9 जीरो होगी थी, लिख दूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 9, यस ठीक है बेटे। अब देखो करोड़ में 7 जीरो है, अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 9 जीरो आ जाए, ठीक है, मतलब 1 बिलियन बन जाए, तो जो 100 को हम 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को, क्योंकि करोड़ में कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 2 कितनी होगी, 9, ठीक है, तो ये भी 1 बिलियन बन गया ना, ठीक है, क्योंकि हमने तो क्या करनी है कि आपको पता है कि जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 100 बन जाता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 100, तो 2 जीरो बस क्या लग जाती है बेटे, साथ साथ हो जाती है, ठीक है, इसी तरह ये 7 जीरो है और ये 2 जीरो है, तो क्या बन गया 1 बिलियन, अंडरस्टैंड, इजी ना क्वेश्चन, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, ओनली यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है, हर
एक्सरसाइज में आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है बेटे। जो आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बेटे। अब देखो वही आ गया बेटे, प्लेस द कॉमा एंड करेक्टली राइट द न्यूमेरल्स। ठीक है बेटे, तो सेकंड का बेटे आप देखो, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 7 करोड़ 4 लाख 4 लाख 65 65। ठीक है, आप देखो 7 करोड़, तो आपको पता है पहले क्या लिखना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 बेटे। ठीक है, लैख 10 लाख करोड़। ओके बेटे, आप देखो 7 करोड़, ठीक है, तो 7 करोड़, तो 7 करोड़ है, तो करोड़ के नीचे 7 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटे हमारे पास, 4 लाख, तो 4 लाख कैसे बनेगा बेटे, 0-4 करके, क्योंकि ये पीरियड कौन सा बेटे, लैख वाला पीरियड है, जो यहाँ पर 4 लिखे तो वो 40 बन जाएगा। अंडरस्टैंड, अब हमने क्या करना बेटे, 1000। अब 1000 के लिए हम क्या करना बेटे, कि हमारे पास क्या है बेटे, 1000 देखो इसमें है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लेंगे 0। उसके बाद क्या, 65, तो 65 मतलब 100 भी नहीं है, तो 65 आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया बेटे, 7 करोड़ 4 लाख है ना, तो इसलिए 0-4 लिखा हमने, 4,65,000। अंडरस्टैंड बेटे, अब नाउ पुट द कॉमास, कॉमास कैसे पढ़ेंगे बेटे, 3 डिजिट पीछे स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके बाद 2 डिजिट, देन अगेन 2 डिजिट। अंडरस्टैंड, हाँ जी बेटे, अगेन थर्ड क्वेश्चन, इंसर्ट द कॉमा सुटेबली एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ओके, सो क्वेश्चन इज बेटे 36007, तो फर्स्ट स्टेप इज बेटे राइट द वन टेंथ 100,000 10,000, ठीक है, लैक में तो आ नहीं रहा ना ये, ठीक है, तो अब इसका नेम बोलना बेटे, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप इज बेटे, फर्स्ट स्टेप राइट दिस वन, सेकेंड स्टेप पुट द कॉमा, सो स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड, तो 3 डिजिट, आफ्टर द 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद कुछ भी नहीं है बेटे, तो अब इसका नेम क्या आ जाएगा, 36,000। ओके बेटे, 7, क्योंकि ये तो सारे 0-0 है, तो हमारे पास क्या आ गया, 36,000। ओके, 7, अंडरस्टैंड बेटे। यस, लुक एट द 5th क्वेश्चन बेटे, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, सो यू नो दैट वी शुड एक्सपेंड, सो एक्सपेंड कैसे करोगे बेटे, 2 के पीछे कितने डिजिट है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, सो 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 क्यों लगाई बेटे, क्योंकि 2 की प्लेस वैल्यू हमारे पास 2 हो गए, ठीक है, इसके पीछे जितने डिजिट हो गए उतनी 0 लगा दो, ठीक है बेटे, आफ्टर दैट 9 के पीछे कितने डिजिट है, 7 1 2 3 4 5 6 7, ओके, आफ्टर दैट 2 के पीछे हाउ मेनी डिजिट्स, 3 3 2 5 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 1 0 हम कम करते जाएंगे, यहाँ 7 थी अब 6 0 है, ओके, सिमिलरली बेटे अब 0 है, 0 को ऐड करेंगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, अब 2 के पीछे हाउ मेनी डिजिट्स बेटे, 4 0, 4 डिजिट है तो 4 0 आ गई बेटे, 5 के पीछे 2 0 एंड 1 के पीछे 1 0, लास्ट वाला 0 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज द लास्ट पार्ट आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना, तो लास्ट पार्ट मैंने करवा दिया, ठीक है, अदर पार्ट डू योरसेल्फ। ओके, इन 6th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ऑपोजिट टू दिस वन, ठीक है, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरल्स, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरल्स, तो न्यूमेरल्स में कैसे लिखोगे बेटे, आप देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसका फर्स्ट ही समझ लो, 4 मल्टीप्लाई
हमारे पास क्या है बेटे, 1 लाख है, 4 × 1 लाख है इन सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, सो 4 × 1 लाख कितना आ गया, 4 लाख। ओके, 50 है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 आगे क्या है बेटे, 10,000 है, तो 7 के पीछे बेटे 4 जीरो आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, आफ्टर दैट 1,000, ओके, आफ्टर दैट 500, आफ्टर दैट 10, देन 2, अब प्लस करोगे बेटे, सो इट विल बी 2, देन 0 + 1, 1, इट इज 5, ओके, 1 एंड 7 एंड 4, सो आंसर इज 4, 7, 1, 5, 1, 2, अंडरस्टैंड बेटे, सो यू कैन लीव द डिजिट, ठीक है। इसकी बेटे आप एक हैबिट बना लो कि जब भी आपने नंबर लिखना है तो पीछे से 3 डिजिट, ठीक है, देन 2 डिजिट आपने लीव करने ही करने हैं। ओके बेटे, यस, इन 7th क्वेश्चन बेटे, पुट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हमने किसमें किया था बेटे, इन 3rd क्वेश्चन। ओके, आल्सो राइट देम इन वर्ड्स, आल्सो राइट देम इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में हमने 3rd क्वेश्चन में किया था बेटे। ओके, एंड गिव इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म हमने अभी 5th क्वेश्चन में की है, तो इन्होंने 3rd और 5th क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन बेटे डू योरसेल्फ। ओके बेटे, एंड इन 8th क्वेश्चन बेटे, 8th क्वेश्चन में इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम है, तो इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम हमने 4th क्वेश्चन में किया था, अब इसने 8th क्वेश्चन में क्या किया बेटे, 4th और 5th क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया, ठीक है। सो दी 7th एंड 8th क्वेश्चन डू योरसेल्फ। ओके, 9th क्वेश्चन देखो बेटे, फाइंड द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ओके, इन क्वेश्चन 8, 3, 4, 6, 5, 2, 6, 1। ओके बेटे, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे। तो इन 9th में हमने 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है पहले, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटे, 6, 4, 0। ओके, आफ्टर दैट 1 more 6 इज देयर, तो इसकी बेटे प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 60। ओके, नाउ वी फाइंड आउट डिफरेंस, वी फाइंड आउट डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स माइनस, तो इट इज 0, 10 - 6, 4, हेयर इज 9, ठीक है बेटे, हेयर इज ऑल्सो 9, ओके, एंड हेयर इज 1 इज सब्ट्रैक्ट, तो क्या रह गया बेटे, 5, 9, 9, 4, 0। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, इन 7th क्वेश्चन फाइंड द सम, अब इन 9th क्वेश्चन में हमने डिफरेंस किया है, ठीक है, और इन 10th क्वेश्चन हम यहां पर उसका प्लस कर देंगे, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 7 की निकाल के प्लस कर देंगे, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमने माइनस किया और 10th क्वेश्चन में हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट कर देंगे, तो प्रोडक्ट वाला बेटे क्वेश्चन में करवा देता हूं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, 2, 5, 0, 8, 5, 9, ओके, सो प्लेस वैल्यू 5, ठीक है, 5 के पीछे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटे, 50 से, 50 की क्यों की है, क्योंकि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की हमने निकालनी थी, क्या आ गया, 50। अब हम प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 = 25, हाउ मेनी जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 0 बैक साइड, आपको मल्टीप्लाई पता है ना, सिंपल नंबर की मल्टीप्लाई कर दो और जितनी जीरो है उसको बैक साइड पे लिख दो, अंडरस्टैंड बेटे। लास्ट क्वेश्चन में क्या, 12th, विच डिजिट हैव सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके बेटे, तो अब फेस वैल्यू क्या होती है, फेस जैसे आपका फेस है वो आपका ही फेस है ना, ठीक है, तो इसी तरह उस नंबर का, चाहे वो फर्स्ट 1 प्लेस पे आ जाए, वो 100 प्लेस पे आ जाए, 1000 प्लेस पे, उसकी फेस वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब हमने किसकी बतानी है, 12th क्वेश्चन में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम हो, तो देखो लास्ट डिजिट है,
लास्ट डिजिट की जो फेस वैल्यू होगी 3 की, फेस वैल्यू ऑफ 3, ठीक है। तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू सेम होती है, तो क्या आएगी 3 आएगी। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी बेटे, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो लास्ट में है ना डिजिट, इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो इसकी प्लेस वैल्यू भी 3 आएगी। तो 3 इज द डिजिट विच हैव सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, डू एवरी क्वेश्चन, ओके, एंड डोंट लीव एनी क्वेश्चन। आई एम सॉल्विंग द 1-1 पार्ट, अदर पार्ट डू योरसेल्फ। ओके।